हेलो एवरीवन, एक शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए अलग अलग जगह से वीडियो क्लिप उठाकर एक शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ता है। ये मेरे से बेटर आप जानते होंगे क्योंकि आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं। और ऐसे में अपने शॉर्ट वीडियो पर इन फ्यूचर कॉपीराइट का इशू आ सकता है, लेकिन अपने शॉर्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर यूज करोगे तो 80% सेफ हो जाता है आपका वीडियो। तो ये डिस्क्लेमर कैसे लगा सकते हो अपने शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो पर, इस डिस्क्लेमर का मतलब क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है और ये यूज करने से आपको क्या फायदा होगा, इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देख सकते हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। देखो डिस्क्लेमर में क्या लिखा है, मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। डिस्क्लेमर में ये लिखा हुआ है, आपने वीडियो पर जो वीडियो क्लिप यूज किया है ना, वो न्यूज़ के लिए है, वो एडुकेशन के लिए है या रिपोर्टिंग के लिए उस वीडियो क्लिप को अपने वीडियो पर यूज़ किया है। तो ये डिस्क्लेमर लगाने से अपना वीडियो काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाता है कॉपीराइट से बचने के लिए। बट अगर किसी का फुल वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया और डिस्क्लेमर लगा दिया तो डिस्क्लेमर भाई कोई काम का नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये डिस्क्लेमर कहाँ मिलेगा और अपने डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से लगा सकते हो। ओके, देखो भाई डिस्क्लेमर सिंपली आपको मिल जाएगा, मैं एक आसान ट्रिक आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है अपने मोबाइल या लैपटॉप पर, यहाँ पर टाइप करना है सर्च बार में डिस्क्लेमर फॉर यूट्यूब। ठीक है, डिस्क्लेमर फॉर यूट्यूब में यहाँ पर टाइप कर दिया। करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आता है यहाँ पर टाइप कर देना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्लेमर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर फेयर यूज़ पर यहाँ पर कॉपी कर लेना है। अब क्या करना है, अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओ या अपना ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन है बना कर रखा हुआ है तो अपने नोटबुक में जाओ, उसे प्रेस करके रख दो। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने हमेशा के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, मतलब एक क्लिक में आ जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, मैं किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकता हूँ। और मैं क्या किया है, यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर को प्रेस करके रख दिया है। अब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इस तरीके से मैं सीधा उसको ऑल कॉपी कर लूँगा। कोई भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकता हूँ, ये डिस्क्लेमर भी उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, YT स्टूडियो ओपन करके कोई भी एक वीडियो की डिस्क्लेमर को मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन ये है और यहाँ पर मैंने मेरे वीडियो के लिए डिस्क्लेमर लगा दिया है। तो सेम इसी तरीके से डिस्क्लेमर को लगा सकते हो। अगर ये डिस्क्लेमर आपको पर्सनली चाहिए तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैसेज कर देना, मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो पर डिस्क्लेमर को यूज़ किया करो भाई, 80% सेफ हो जाता है आपका वीडियो कॉपीराइट से बचने के लिए। अगर आप अपने आप वीडियो के लिए एक डिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हो सही तरीके से तो एंड स्क्रीन में एक वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो देखो। तो आज के लिए तक छोटा मोटा वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके रख लो भाई, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।